Hello students, let us start our last topic of the chapter, uniform circular motion. This is the last topic, uniform circular motion. Definition likhe, when the velocity of an object remains changing, but it travels with, uniform speed, in circular path, then it is called as, then the motion is called as uniform circular motion. चलिए देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम यहां से मूव कर रहे हैं, ए पॉइंट पर था, घूमते 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 ऐसे वो अपना घूम रहा है. कैसे घूम रहा है? हमने बोला इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ, सो इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पर इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी इज चेंजिंग. अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी अपन ने एक ऐसा गोल घुमाने के लिए एक रस्सी ली, उस पर हमने स्टोन को बांध रखा है. अब मैं इधर तक लेके गई, अगर मैं छोड़ती हूं तो ये पत्थर किधर जाएगा? इधर. इट मूव्स टेंजेंशियली आउटवर्ड. क्या लैंग्वेज होती है? टेंजेंट. टेंजेंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल पे एक जगह टच कर रहा हो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट. मैंने यहां लाके छोड़ा तो ये इस डायरेक्शन में गया, मैंने यहां पर छोड़ा ये इस डायरेक्शन में गया, यहां छोड़ा इस डायरेक्शन में गया, यहां छोड़ा इस डायरेक्शन में गया. जहां छोड़ रहे हो उस डायरेक्शन से वो बाहर की तरफ निकले. इट मूव्स टेंजेंशियली आउटवर्ड. पूरे मोशन में उसका डायरेक्शन अलग अलग आया, इधर से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां बाहर निकल रहा है. डायरेक्शन बदला मतलब वेलोसिटी भी चेंज हुई. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्क्यूलर पाथ बट वेलोसिटी इज चेंजिंग. इसे हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक, अब इसका एक अपना फॉर्मूला है. हम लोग लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. आई एम सेइंग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जहां से शुरू हुए वहां आ गए, क्या जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो. तो फाइनली वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी? जीरो, है ना. तो वेलोसिटी नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये जो पूरा डिस्टेंस है दिस इज सर्कमफ्रेंस 2πr और अपॉन में आ गया टी. तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया जिसे हम लोग बोलेंगे v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी. ये एक कहानी आपकी खत्म होती है. एक और नई कहानी लेते हैं. नई कहानी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी एंगल से मूव कर रहा है. एंगल पता चलता है 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री एंगल. उस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा. क्या बोलते हैं? थीटा. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम एंगल, दैट एंगल इज थीटा.
अब अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, काय की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये एंगल के साथ जो मूव कर रहा है, इस एंगल के कारण जो वेलोसिटी हुई उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू, अब कितना मूव किया तो हम ये आंसर नहीं दे रहे कि ये मूव किया, हम बोल रहे हैं कितने एंगल से मूव किया। बोले 30 डिग्री लेफ्ट की तरफ, है ना, आप यहां खड़े हैं, अब बोले 90 डिग्री मूव कर जाओ, बोले 180 डिग्री मूव कर जाओ, पता चला मूविंग विद सम एंगल। तो वहां पर हम लोगों ने अब जो डिस्टेंस है वो हो गया एंगल, दैट इज थीटा, और नीचे हमारे पास में आ गया टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम, ये डब्ल्यू नहीं है, है ना, डब्ल्यू अगर मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे लिखते। इस सिंबल को बोला जाता है ओमेगा, थोड़ा स्टाइलिश डब्ल्यू हम लिखते हैं, उस स्टाइलिश डब्ल्यू को, इतना भी लिखोगे तो चलेगा, इस स्टाइलिश डब्ल्यू को हम बोलते हैं ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करने का तरीका है ओमेगा, विच इज इक्वल टू थीटा। ये थोड़ा सा आप लोगों की रेंज के बाहर की बात है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में इतना हार्ड हमें जरूरत नहीं पड़ती, आपके स्कूल में अगर पढ़ाया जाए तो ही इस टॉपिक को लेना। कहां से, एंगुलर वेलोसिटी वाला टॉपिक जो है ये, अगर आपके स्कूल वाले पढ़ाए तो आप यूज करना, ना पढ़ाए तो आपका टॉपिक यहाँ खत्म हो चुका, आपका चैप्टर यहाँ पर एंडेड है, ठीक है। इस टॉपिक के लिए हम लोग स्कूल वाइज चलेंगे कि स्कूल वाले किस लेवल तक जाए, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको बता दू, ठीक। स्कूल में अगर वो लोग बताएं तो ठीक है, ना बताएं देन लीव दिस टॉपिक, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है अंडे लेने अंडे स्कूल वाले ना पढ़ाए। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ये अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा मतलब एंगल, पूरा एंगल घूमने में कितना लगता है 360 डिग्री, है ना, ये पूरा जो घूम है ये पूरा हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री को मैथ्स में लिखा जाता है 2 पाई, क्या लिखा जाता है 2 पाई, मैथमेटिकल लैंग्वेज में पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 180 का डबल, इट इज 360 डिग्री। पाई का आधा कर दो यानी 180 का आधा कर दिया, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, 180 मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई, ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा की जगह 2 पाई और अपॉन में टी। तो एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। एक लास्ट फॉर्मूला और पढ़ाऊंगे, बस उसके बाद हम खत्म कर देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, इसे यहां 1 अपॉन टी समझो, भाई ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 अपॉन टी की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, न्यू इस सिंबल को बोला जाता है न्यू। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई न्यू। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये 3 स्कूल में बताएं तो करना, अदरवाइज नहीं बैठे। और वेलोसिटी इज 2 पाई आर बाय टी, 2 पाई आर अपॉन टी, यहां तक तो समझ में आ चुका। यहां से आपको कंफ्यूजन हुआ कि हम लोग वेलोसिटी एंगल वाली ले रहे हैं तो हमने डिस्प्लेसमेंट भी एंगल वाला और अपॉन में टाइम लिया। एंगल पूरा अगर हम गिनते हैं तो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 पाई, तो हमने यहाँ यूज किया 2 पाई बाय टी। अब 1 अपॉन टाइम क्या होता है,
तो वन अपॉन टाइम इज न्यू फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास नया फॉर्मूला आया एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. ठीक, यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स. टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ट्रैक. पूरा ट्रैक एक राउंड ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. लिखते हैं पहले, ये सब मैं रफ कर रही हूं. टेक्सबुक के न्यूमेरिकल्स हमारे हो जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. मंडे आपका इसी चैप्टर का टेस्ट रहेगा. बाहर से कुछ भी नहीं, टेक्सबुक में जो जो आपको दे रखा है वही आपके टेस्ट में होगा. क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड. कैसा राउंड? 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. ये जो डायमीटर है ये 200 मीटर है, मतलब रेडियस इज 100, हो गया. इन 40 सेकेंड पूरा एक राउंड घूमने में उसे 40 सेकेंड लगे. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. जब टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड का हो जाए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा क्वेश्चन. ठीक, चलिए 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 2 × 60 + 20 कितना हुआ? 2 × 6 = 12. 120 मिनट्स और 20 सेकेंड, सॉरी 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इट इज 140 सेकेंड. पता चलेगा, मतलब 40 सेकेंड में वो पूरा सर्कल घूमता है तो 140 सेकेंड में उसने कितने सर्कल घूमे एक बार देखें. 40 सेकेंड में फर्स्ट सर्कल, दूसरे 40 सेकेंड में सेकेंड सर्कल, अगले 40 सेकेंड में थर्ड सर्कल. 40 40 40 120 हो गया. अब कितना बचा? 20 सेकेंड. उसमें कितना घूम पाएगा वो? हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब टोटल 140 सेकेंड में उसने 3 सर्कल और एक आधा, यानी टोटल 3.5 सर्कल उसने मूव किया. हम यहां लिखेंगे कि इन 140 सेकेंड He covers 3.5 circle. पूरा 3.5 उसने कवर अप किया. अब एक राउंड जो उसने लिया वो होता है 2 पाई आर. तो 2 × 22/7 आर की वैल्यू है हमारे पास में 100. इट इज 4400/7. एक राउंड करने में उसने 4400/7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो 3.5 राउंड करने में कितना? लिखते हैं 4400/7 × 3.5. तो 3 पूरा और उसके बाद में आधा, तो 3.5. बात पता चलेगी. वापिस चले, टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट मतलब 2 × 6 = 12. 120 + 20 इट इज 140 सेकेंड. 140 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट चला. तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो पहले तो हमने देखा कितने राउंड उसने घूमे, तो
तो 140 घूमने में उसने 40 120 के तीन राउंड और 20 का आधा राउंड, ऐसे 3.5 राउंड उसने टोटल कंप्लीट कर। आपको ये पार्ट समझ में नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक राउंड का निकालो, फिर 3 राउंड का निकालो, तो 4400/7 × 3 ये आपके 3 राउंड का हो गया। आधे राउंड में वो यहां से घूम के यहां तक आया, यानी आधा 2πr का आधा, तो इट इज πr, ये प्लस आएगा πr, यानी 22/7 × 100। आपको ऐसा करना है, ऐसा करिए, अदरवाइज सिंपल 3.5 लेके उसे सॉल्व करिए। ये हुआ उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहला राउंड घुमा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, सेकंड राउंड घुमा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, थर्ड राउंड घुमा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब वो कहां है, आधा राउंड, आधा राउंड मतलब यहां से चल के वो यहां तक आया, जहां से भी ले रहे हो ए से चल के बी तक आया, तो हम पूरा घूमेंगे नहीं, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ को लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। फाइन, वो आप कैलकुलेट करेंगे 3.5 के हिसाब से, और ये वाला खाली आधा के हिसाब से आपका आंसर आ गया 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 300 मीटर, इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, उसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। आगे एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब वो यहां से वापिस पलटा, कितना चला 100 मीटर, वो वापिस पीछे की तरफ आया, अभी वो पॉइंट सी पर है, इन अनदर 1 मिनट, यहां से यहां तक आने में उसे टाइम लगा 1 मिनट। इसको हम ले लेते हैं D2, इसको हम ले लेते हैं T2। Now, what is the average speed and velocity from A to B and A to C? पहला, average speed from A to B, उसी में average velocity from A to B, उसके बाद B वाले में एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, ऐसे 4 क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 2 मिनट्स 30 सेकेंड, 2 मिनट्स यानी 2 × 60 प्लस 30, कितना हो गया 300/120+30 150, डायरेक्ट कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, इट इज 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी अभी भी वो 300 गया तो बराबर यही रहेगा, और कितनी देर में पहुंचा, 150 में पहुंचा, आंसर इज सेम, इट इज 2 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड भी वो
वही है और एवरेज वेलोसिटी भी वही। अब ए से सी तक जाने में ये तो दोनों आंसर सेम हो गए 2 मीटर पर सेकंड। अब ए से सी तक जाने में क्या हुआ, ए से सी तक जाने में एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस पहले 300 उसके बाद ये वाला 100, तो टोटल डिस्टेंस इज 300 प्लस 100, टोटल टाइम ये वाला 150 अभी हमने निकाला है ना, 120 प्लस 30 150, और ये वाला 1 मिनट यानी कि 60, कितना हो गया 400 अपॉन 210, जो भी आंसर आए देख लेने का। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब इसी में एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, गया तो वो 300 था पर उसमें से 100 वो वापिस आ गया, तो 300 जाने का और 100 वापिस आने का, इट इज 300 माइनस 100, और टाइम सेम लगा हमारा, टाइम इज 210, आंसर 200 अपॉन 210, डिवाइड आप लोग करेंगे जो भी आंसर आएगा इट इज मीटर पर सेकंड। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जितनी स्पीड से वो स्कूल तक जा रहा है वो स्पीड हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, जब वो वापिस आ रहा है देर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापिस स्कूल से घर आया तब एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। वॉट इज द एवरेज स्पीड, ये तो बड़ी गड़बड़ है क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां ना तो डिस्टेंस है ना टाइम है, सिर्फ क्या दे रखा है जाने की स्पीड और आने की स्पीड। अब कैसे ढूंढे, तो हम पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस मतलब जाने वाला D1 आने वाला D2, ऐसा आपको यहां लिखना पड़ेगा। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल टू स्कूल D1 टाइम T1, स्कूल टू होम D2 टाइम T2, तो टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, यहां तक पता चलेगा। आगे ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना मेरे पास डिस्टेंस है ना मेरे पास टाइम है और मुझे सिर्फ स्पीड दे रखी है, तो मुझे अपने पूरे फॉर्मूले को स्पीड के टर्म्स में बदल देने का है। कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पता चलता है। चलिए आगे लेते हैं, यहां पे D1 प्लस D2 अपॉन T1, ये T इज इक्वल टू D अपॉन V है, तो T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2। मैंने टाइम हटा के
डी और बी का फॉर्मूला लिख दिया, पता चलेगा। अब हम यहां पर लिखेंगे बट डी इज डिस्टेंस इज सेम, है ना, घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो डिस्टेंस रिमेन्स सेम बट डी इज सेम। अब डी सेम है तो क्या हुआ, डी वन प्लस डी टू की जगह हम लिखेंगे डी प्लस डी अपॉन डी अपॉन वी वन प्लस डी अपॉन वी टू, सब डी वन डी टू हटा के डी 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 कर दिया, ऊपर डी प्लस डी टू डी, नीचे इन दोनों में से डी कॉमन निकाला, अंदर बचेगा वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू, डी और डी कट हो गया, क्या बचा, अब हमारे पास जो बचा वो है टू अपॉन वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू। एलसीएम निकालेंगे हम नीचे वाले का, टू अपॉन इसका एलसीएम वी वन वी टू, ये इधर जाएगा वी टू, ये इधर जाएगा प्लस वी वन, इस पार्ट को ऊपर भेजिए, कितना बचा हमारे पास में, इट इज टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, पूरा फॉर्मूला ही बदल गया, हमारे फॉर्मूले में डिस्टेंस और टाइम था सब गायब हो गया, उसकी जगह स्पीड के टर्म्स में हमारा आंसर आ गया। अब डायरेक्ट टू इंटू वी वन की जगह ट्वेंटी, वी टू की जगह थर्टी, नीचे वी वन की जगह ट्वेंटी, वी टू की जगह थर्टी, इसमें किलोमीटर पर आवर में अगर आप नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में चेंज होगा, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18 कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 5 बाय 18 करना है, दोनों में 5 बाय 18 आएगा, कट हो जाता है, इसलिए वो सेम ही बैठना है, कोई बात नहीं है। चलिए 2 2 4 4 3 12 1 2 00 अपॉन 2 प्लस 3 कट कर दिया, 120 बाय 5 5 2 10 आंसर 24 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, हाँ ऊपर बचेगा बेटा 5 बाय 18 5 बाय 18, हाँ नहीं आप लोग इस आंसर किलोमीटर पर आर दे दीजिए, आपको अब कन्वर्ट करना है तो आप कर लीजिए 24 इंटू 5 बाय 18, अदरवाइज ये आंसर हमारा राइट है, इट इज 24 किलोमीटर पर आर। ठीक, आज के लिए यहीं तक, बाकी हम लोग कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बाय।